विश्वास नहीं होता मुझे कि सुलभा का भाई अपनी बहन पे हाथ उठा सकता है। वो तो भला हो रुक्मिणी वही ने कहा जिन्होंने सुलभा को मेरे पास आने की सलाह दी। क्या हो गया है आपको? कितना चाहते थे आप सुलभा को, कितनी धूमधाम से इसकी शादी की, कितना रोए इसकी विदाई में। कहाँ गया वो भाई? हाँ, कहाँ गया वो प्यार? भाई साहब का धूमधाम से सिर्फ शादी ही नहीं कराई, जब ससुराल से धक्के मार के इसे निकाल दिया तब से रखा है अपने घर में इसको। पूरा खर्चा उसका ये भाई उठाता है, बदले में दो चार घर के काम कर दिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ा इस पर? और आप लोग जो इस पे पहाड़ तोड़ रहे हो उसका क्या? हाँ, घर के कामों में मदद मांगने का एक तरीका होता है, ऐसे मारने पीटने का क्या मतलब है? आप लोग इसे मारते हैं, गालियां देते हैं, चाहे इसकी गलती हो या ना हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को एक लाचार औरत पे जुल्म करते हुए। ये इस घर की बेटी है और इसका भी इस घर पे उतना ही हक है। ओ, तो पूरे गांव में जा जाकर हमारी शिकायत की जा रही है? अगर इतनी तकलीफ तुम्हें यहाँ हो रही है तो कोई और ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेती? और बाईजा का आप, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में, लोगों की मदद करने के बहाने उनके घर में जा जाकर दखल अंदाजी करने की आदत है आपकी। और मदद ही करना चाहती है सुलभा की तो ले जाइए अपने साथ। हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, पुष्प कहाँ है? जी। कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ हमेशा। हरिओम। भूख लगी है, थोड़ी देर रुक जाओ, एक बार पूजा खत्म हो जाए देती हूँ। जाओ। केशव, इधर आ। आप बैठ मेरे पास बैठ। केशव, मैं तुम्हें दूर लंदन भेज रहा हूं इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने संस्कार अपनी संस्कृति से दूर रहो। यही संस्कार तुम्हारी पहचान बनेंगे वहां, यही संस्कृति मिट्टी से जोड़ के रखेगी तुम्हें। हरिओम। आज मैं तुम्हें ईश्वर की पूजा कैसे की जाती है वो बताऊंगा, क्या विधि होती है वो बताऊंगा। हाथ जोड़। ओम विष्णुवे नमः। बोल। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। प्रथम ये अक्षत हाथ में लेके आज न जाने कितने दिनों के बाद अपने बेटे के साथ समय बिता रहे हैं। ये ले, धूप जला। रुक जाओ,
इसे ऐसे नहीं बुझाते, हाथ के झोंके से उसको बुझाते हैं, ऐसे करके, ऐसे। हरिओम। अब हाथ जोड़ और मेरे साथ दोहरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे साई हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई हरे साई 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 हरे हरे। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे साई हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई हरे साई 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 हरे हरे, हरे साई हरे साई 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 हरे हरे। केशव, दादा। हरिओम। भगवान, लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए, समाधान के लिए आपकी प्रार्थना करते हैं, आपकी शरण में जाते हैं, और मेरी तो समस्याओं के कारण भी आप ही हो। अरे तो मैं किसके पास जाऊं? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस बार नासिक के ज्योतिषी जी ने मुझे कहा है कि अपने साथ किशन जी की मूर्ति ले जाओ। क्या बात है साई? साई, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मेरी बात को बस आप ही समझ सकते हो। इन्हें समझाइए, जब भी गांव से बाहर जाते हैं ना, एक नए पंडित से मिलते हैं और एक नई भगवान की मूर्ति लेकर आते हैं। पूरा घर मूर्तियों से भर रखा है। जैसा वो बताते हैं उसके हिसाब से विधि विधान, पूजा पाठ और उपवास करते हैं। हमारे घर में तो रुक्मिणी बिट्टल, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, सनी महाराज, सबकी मूर्तियां हैं। घर की इतनी बुरी हालत है कि हमारे रहने तक की जगह नहीं है। अरे इन्होंने तो रसोई घर को भी देवघर बना दिया है। आप ही समझाओ साई, आज तो हद ही हो गई। कन्हैया की नई मूर्ति लेकर आए और बोलने लगे कि इनके लिए जगह बना दो। अब आप ही बताओ साई, मैं क्या करूं? भाई, भगवान की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करते हो या फिर डर से? मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूं और इसीलिए मैं अलग अलग ज्योतिषियों से मिलता हूं। वो अपने उपाय बताते हैं, मैं उसे करता हूं, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता। तो मैं दूसरे संत महात्माओं से मिलता हूं, वो जो भी कहते हैं मैं करता हूं, लेकिन फिर भी
कुछ फल नहीं निकलता। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसकी मानूं, किसकी पूजा करूं और किसकी नहीं। अगर एक भगवान की पूजा करता हूं तो मुझे लगता है कि बाकी भगवान नाराज ना हो जाए। तो चलो आज इसके कहने पर आपकी भी सहायता लेता हूं। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? मुझसे जो भी मदद मांगता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। तो तुम कुम्हार हो? जी साईं। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, पर इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे या किसी पंडित के पास जाने की जरूरत ही क्या है? क्या तुमने नहीं सुना कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, हम सब में है, तुम में भी है। सबसे अच्छा तो यह है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। खुद से? लेकिन कैसे साई? बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन भगवान का ध्यान करो। तुम्हें भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन हो वही प्रतिमा अपने इस चाक पर बनाओ और उसकी पूजा करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल और सटीक जवाब है। शुक्रिया साईं, मैं अभी करता हूं। हे भगवान, मैं आपके किस रूप की पूजा करूं मुझे बताइए। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई, मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं दिए, बल्कि मैंने अपने आप को देखा अपने चाप पे बर्तन बनाते हुए। क्या तुम्हें अपना पेशा कुम्हार का काम ये काम पसंद नहीं है? कुम्हार का काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता है साई। और हम गरीब ही तो नहीं है ना? पूजा के नए विधान और उपाय में न जाने कितने पैसे लुटाए आपने, और जो समय काम में लगाना चाहिए था वो सब यूं ही बर्बाद कर दिया। साई, ये घर इन्हीं की कमाई से बना है। इन्होंने बर्तन बनाकर अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, माँ बाप की देखभाल तक की, यहाँ तक कि आसपास में जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी दो पैसे से मदद भी की, और ये सारा कुछ इन्होंने कुम्हारी से ही किया है। लेकिन जब से इन्होंने अमीर बनने का सपना देखा है चाक पे एक पहर भी नहीं बैठते, सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है, काम पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें कुम्हारी का ये काम अपना पेशा पसंद नहीं है? जब तुम चाक पर बर्तन बनाते हो तो क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? साईं, मैं पहले दिन रात मेहनत किया करता था, पूरा दिन चाक घुमाते रहता था। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बनाए हुए बर्तन सुंदर और टिकाऊ रहे, बस इसी धुन में रहता था मैं। मुझे तब ना समय का होश रहता था और ना ही भूख प्यास लगती थी। कर्म ही सच्ची पूजा है।
जब हम कोई कार्य सच्चे मन से करते हैं, लगन से करते हैं, पूरी एकाग्रता से करते हैं, मन में ये सोच लिए कि उस काम में कोई कमी ना रह जाए, हर बार खुद को पहले से बेहतर साबित करने की धुन लिए, तो वही कार्य सच्ची पूजा कहलाता है। पूजा का अर्थ उपासना या व्रत करना नहीं है, डर डर के जल्दी जल्दी विधि विधान पूरे करना, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की उपासना की हड़बड़ाहट, ये पूजा नहीं है। हमें अपने आसपास भगवान नहीं दिखता क्योंकि क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता में भगवान है, पिता में भगवान है, बच्चों में भगवान है, यहां तक कि मनुष्य के अपने कर्म में भी भगवान ही है। किसी पौधे को पानी देने से लेकर माता पिता के पैर दबाना, पशुओं की सेवा करना, तुम्हारा अपना कर्म, इन सब में भगवान ही तो है। जब तुमने अपनी आंखें बंद करी तो तुम्हें भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि अपने चाक के दर्शन हुए, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भगवान है। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो डर से नहीं, प्रेम से करो, जैसे अपने माता पिता से करते हो। छोटी छोटी बातों पर भगवान तुमसे नाराज हो जाए वो ऐसा नहीं है, वो तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसे मूर्तियों में ढूंढना छोड़कर अपने बीच ढूंढ लें। और जहां तक रही बात भाग्य बदलने की, तो अपने कर्मों के फल सबको भुगतने होते हैं, खुद भगवान को भी। इसलिए प्रार्थना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहिए बल्कि किसी भी परिस्थिति में संतोष प्राप्त करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए करनी चाहिए। अल्लाह चुपचाप वहीं पे खड़ी रहो, कोई सहायता नहीं करेगा इसकी। साई की भक्ति करने वालों के साथ, उसका गुणगान गाने वालों के साथ मैं क्या करता हूं वो सब देखोगे तुम लोग। केशव, तुम्हें भूख लगी थी ना, खाओ, ये पूरा थाल तुम्हारे लिए है। इसे खाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? आप ही का बेटा है, गलती हो गई उससे, बच्चा जाने दीजिए। चुप! मैं न्याय करता हूं, न्याय। साई का पक्ष लेने वालों को मैं दंडित करता हूं, तो मेरे इस बेटे को मैं कैसे छोड़ दूं बताओ? न्याय तो सबके लिए समान होता है। हरिओम। खाओ।
माफ कर दीजिए। मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं केशव? इसे खाओ। आगे से आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा, वो माफ कर। मैंने कहा इसे खाओ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। माफ? के साथ साथ दंड की भी जरूरत होती है। तुमने पहले ही बिगाड़ के रखा है, अब दादा सुधार रहे हैं तो मिर्ची तो लगेगी ही। दया कीजिए, बच्चा है वो, जाने दीजिए उसे। और बच्चा ही रहने के लिए इसे इसकी जगह दिखाना अनिवार्य हो गया है। रुक्मिणी समझी? यदि मैंने इसे निरंकुश छोड़ दिया ना, तो कौन जाने उस बैरागी के टोले में ये सम्मिलित हो जाए। भविष्य में जब कभी मेरे विरुद्ध कुछ करने की सोचेगा ना, तो ये पीड़ा तुम्हें स्मरण दिलाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। दंड तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है केशव। एक बड़ी सीख है। हरे कृष्णा हरे राम।
धन्यवाद। माँ होती ही ऐसी है, हमेशा अपनी संतान की मदद के लिए तत्पर, कभी ना नहीं कहती। ओ, जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। सारे जलन खत्म हो गए। माँ, मैंने साई को याद किया था। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। राम कृष्ण हरि। ये कौन है? ओए आ जा। बचाओ, अंधा है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती। ये कोई राजमार्ग है जो आप इतने बड़े रथ को दौड़ाए चले जा रहे हैं? अपनी गलती मानने के बजाय बहस कर रहा है। रुक, अभी उतारता हूं तेरी गर्मी। नंदलाल, लेकिन साहब इतनी चोटी से तुम्हारी गाड़ी से नहीं पहुंची होगी जितनी तुम्हारे इस पूरे बर्ताव से पहुंच रही है। काम वो करो नंदलाल जिससे लोग दुआएं दें, इस बेचारे को इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। जी साहब। ये लो। और अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करा लेना।
अब हटो यहां से। चलो चला।